नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर एक बार फिर जनता ने अजय भट्ट पर भरोसा जताया है। अजय भट्ट लगातार दूसरी बार इस सीट पर सांसद चुने गए हैं। भाजपा के अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को भारी मतों से चुनाव हराया। इस सीट पर चुनाव प्रथम चरण में 19 अप्रैल को हुआ था, जिस पर 62.47% मतदान दर्ज किया गया। एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ कही जाने वाली नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर जहां भाजपा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर प्रत्याशी बहुत देर में उतारा, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में इस सीट पर सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की। इस सीट पर काउंटिंग शुरू होने के बाद से ही लगातार अजय भट्ट आगे चल रहे थे। भाजपा के अजय भट्ट को जहां 7,72,671 वोट पड़े, तो वहीं कांग्रेस के प्रकाश जोशी को 4,38,123 वोट मिले, यानी अजय भट्ट की जीत का अंतर 3,34,548 वोट का रहा। वहीं तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के अख्तर अली रहे, जिन्हें कुल 23,455 वोट पड़े। दो जिलों के 14 विधानसभा से मिलकर बनी इस लोकसभा सीट पर शुरू से ही टक्कर बीजेपी के अजय भट्ट और कांग्रेस के प्रकाश जोशी के बीच ही मानी जा रही थी। ये सीट दोबारा बीजेपी के खाते में आए, इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पूरा माहौल भाजपा के पक्ष में बना दिया। उधर जीत के बाद अजय भट्ट बेहद खुश नजर आए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि अजय भट्ट बीते मोदी सरकार के कार्यकाल में रक्षा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ ही वो कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।